हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंजो ऑफिशियल, आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन उसे प्रेस जरूर कर ले। आज का ब्लॉग जो है वो कुकिंग का है। यहाँ देख सकते हो लाइव बन रहा है, मैं अभी मायके में आई हूँ और यहाँ देख सकते हो मम्मी और दीदी जो है लाई को वो बना रही हैं। और इसमें भी एक रहता है कि अगर आप सही से नहीं बनाओगे तो ये टूटने लगता है, तो जितना जल्दी लाई आप बांध लो उतना ही अच्छा होता है, नहीं तो ये फिर से बनाता नहीं, ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बारीकी कैसे, मेरे यहाँ मायके में अक्सर घर में मम्मी ही बनाती हैं और दीदी को भी बनाने आ गया है, मुझे नहीं आया है तो मैं सीख लूँगी मम्मी से। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो मेरी भतीजी, मैं और मम्मी दीदी सारे लोग हैं किचन में और मैं अपने ब्लॉग के लिए शूट कर रही हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वीडियो, तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठंड का मौसम है, मीठा खाना चाहिए, शरीर गर्म रहता है। यहाँ पे देख सकते हो ओम और लड्डू दोनों हैं, दोनों को दीदी दी हैं, बोले वीडियो बनाओ, तो मैं सोची क्यों ना अपने ब्लॉग के लिए बनाऊँ। बहुत ही क्यूट दोनों लग रहे हैं, देख सकते हो। और फाइनली दीदी भी आ गई है और ये मेरे मायके का किचन है, देख सकते हो। और इसके बाद दीदी खिलाएगी, जी हाँ, अनुष्का जो कि मेरी भतीजी है उसको खिला रही है, देख सकते हो। तो मायके में जो है भाई से तो लगाव रहता है, लेकिन भाई भतीजा भतीजी से बहुत ज़्यादा ही बुआ लोग को लगाव रहता है। और यहाँ देख सकते हो मैं बना रही हूँ पिट्ठा। जी हाँ, पूस अभी चल रहा है, पूस मंथ में पिट्ठा खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। कहा जाता है, मान्यता है कि अगर आप पूस में खाते हो ना तो वो जो दांत का विष होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी मान्यता, ऐसी धारणा आप लोग के घर में है या नहीं, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए मुझे। और फिलहाल यहाँ देख सकते हो कुंज जो है वो थोड़ी सी शैतानी कर रहा है, कोई बात नहीं। मैं और मम्मी दोनों जो है वो पिट्ठा गर रहे हैं, देख सकते हो पिट्ठा भर रही हूँ। और मेरे मायके में पिट्ठा को बगिया बोला जाता है। जी हाँ, अगर आप मैथिल हैं तो रिलेट कर पाते होंगे बगिया से। और फिलहाल मैं भोजपुरी की बात करूँ, भोजपुरी में मेरा ससुराल है तो वहाँ पिट्ठा बोला जाता है। तो ये दोनों चीज़ मुझे नॉलेज है तो इसलिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और ये देखो मैथिल में इस तरह से बगिया बोला बनता है, इसमें कुछ भराता नहीं है। और पिट्ठा में है चावल भर सकते हो, आलू भर सकते हो, खोआ भर सकते हो, मीठा भरा जाता है, गुड़ जिसको बोलते हैं वो सब भरा जाता है, तीसी भी बहुत लोग भरते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। तो इस तरह से ये चीज़ बनता है। और पूस में खाना ऐसे तो साल में लोग जब भी मन हुआ बनाइए, लेकिन इस मंथ में खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और यहाँ कुंज भी है, देख सकते हो मम्मी को और कुंज को। फाइनली यहाँ पे देख सकते हो बगिया आई मीन पिट्ठा जो है वो बॉयल हो गया है। जी हाँ, इसको डेक्ची में बॉयल किया जाता है, बहुत लोग कुकर में भी बनाते हैं, सीटी लगाते हैं, लेकिन डेक्ची में ही ज़्यादातर लोग बनाते हैं, गांव में भी अक्सर आप देखे होंगे। और यहाँ पे देख सकते हो धोने की बारी आ गई। जी हाँ, बॉयल हो जाता है तो चिपचिपाहट इसमें आ जाता है, तो इसको अच्छा से ठंडा पानी से धोया जाता है ताकि इसका चिपचिपाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद इसको एक पे एक करके नहीं रखा जाता है, लेकिन अभी मम्मी फ़िलहाल धो रही हैं तो एक पे एक करके रख देती हैं और उसके बाद किसी सूप में या किसी डाली में अलग अलग करके रखा जाता है ताकि सटे ना, और सट जाता है तो टूटने लगता है, तो इसीलिए। और ये ज़्यादा दिन तक आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो इस बगिये को, इसको आप तेल में फ्राई करके सॉस के साथ खा सकते हो, शाम को स्नैक्स के साथ के रूप में बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत लोग इसको आलू बैंगन की सब्जी में पसंद करते हैं। तो फाइनली अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे यहाँ लोग इसको फ्राई करके, जी हाँ, तेल में या रिफाइंड में फ्राई कर लीजिए, काट के मछली की तरह पीस बन जाता है और उसके बाद सॉस के साथ सारे लोग इवनिंग में खाते हैं। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा ये छोटा सा कुकिंग ब्लॉग? जी हाँ, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉच।